खबर से जो कि शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है, भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। कई अहम विषयों पर यहां बैठक में चर्चा होगी, महत्वपूर्ण प्रस्तावों को आज हरी झंडी मिल सकती है। तो भोपाल से खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक आज, कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की जा सकती है। महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी आज कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी और तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा मीडिया के सामने की जाएगी। तो भोपाल से अहम जानकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक आज, कई अहम विषयों पर बैठक में चर्चा होगी, महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी आज कैबिनेट की इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और चर्चा की जाएगी। और हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी जुड़ गए हैं। रवि जी, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में कौन से वो अहम बिंदु है जिन पर चर्चा की जा सकती है? प्रस्ताव इसमें लाए जाने, एक तो ने जो शराब नीति है, देसी शराब नीति, उसको सरकार ने पहले जो शराब वितरण की व्यवस्था होती है जिलों से दुकानों पर पहुंचने का, डिपो से जिलों पर पहुंचने, दुकानों पर पहुंचने वाला मामला है, तो उसमें जो वाणिज्यिक विभाग है वो चाहता है कि इस जो मौजूदा व्यवस्था है उसको 2022 तक, मार्च 2022 तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इससे राजस्व की कोई हानि नहीं होगी, लेकिन तकनीकी दिक्कतें हैं कुछ, तो उसको लेकर आज संभवतः इस प्रस्ताव को अनुमोदन मिल सकता है कैबिनेट का। इसके अलावा जो डेंटल डेंटिस्ट हैं उनकी भर्ती को लेकर भी एक प्रस्ताव आया है, इसमें करीब 419 पद जो है मध्य प्रदेश में खाली हैं, उनको भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए, 3 साल में भर्ती होंगी, तो उसमें संभाग मतलब संचालनालय स्तर से लेके और जिले तक जो है पदों का विवरण है उसमें भर्ती की जाएगी। जी आप बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है भोपाल से हम जानकारी, जहां कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, इसमें शराब नीति को लेकर भी यहां पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि फिलहाल ये एक बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से आगे इसकी जो तिथि है उसको यहां बढ़ाया जाएगा।